हेलो गाइस, मेरा नाम है श्लोक। आप देख रहे हैं टेक बर्नर या तकनीकी ज्वालक, जैसा भी आपको बोलने में अच्छा लगे। बट इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और ये आपके दिमाग में भी आया होगा। DSLRs मोबाइल फोन्स और पॉइंट एंड शूट्स में अराउंड सेम है, पिक्सल कैमरा होते हैं, बट जो क्वालिटी में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और मोबाइल फोन्स में भी, जो बहुत ही एक्सपेंसिव फोन्स भी हैं, 40,000-50,000 के मोबाइल फोन्स, उनमें भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, और जो बहुत ही सस्ते मोबाइल फ़ोन है जो 5,000-6,000 के हैं, उनमें भी 13 मेगापिक्सल है, बट क्वालिटी में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है, मेगापिक्सल क्या करते हैं, और हमको मोबाइल लेते टाइम कैमरा के कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस देखने चाहिए ताकि हमको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कैमरा इसका कैसा है डिवाइस का, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कैमरास के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ एकदम क्लियर करके बताऊं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं और भी ज़्यादा। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में भी बता देना, और नेक्स्ट चीज़ के लिए मूव करते हैं, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो गया बट मूव करते हैं। तो ये बात तो बहुत ही सिंपल है कि जो फोटोग्राफी होती है वो लाइट के बेसिस पे होती है। अगर एकदम अंधेरे कमरे में आप फोटो खींचोगे तो ऑफकोर्स फोटो में क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी लाइट नहीं एंटर कर रही। तो जितनी ज़्यादा लाइट आपकी फ़ोटो के अंदर जा रही है उतनी बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी फोटोग्राफ में। और ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जैसे अपर्चर, सेंसर साइज, पिक्सल साइज, एक्सपोजर, ये सब बस लाइट को मॉड्यूलेट करने के लिए बनी है, बस लाइट को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके समझाऊं, आप एक प्लेट इमेजिन कर सकते हैं जो आपका सेंसर हो जाएगा, और उस प्लेट के अंदर आप जितनी भी कटोरी रखेंगे वो आपके पिक्सल्स हो जाएंगे, और जो आप टोटल दाल डालेंगे या फिर पानी डालेंगे उसके ऊपर वो एक्चुअल लाइट हो जाएगी। तो सेंसर पे जितनी भी लाइट पड़ती है वो पिक्सल्स कैप्चर करते हैं। जितनी ज़्यादा कटोरी होंगी और जितनी बड़ी कटोरी होंगी उतना ही ज़्यादा आपको लाइट कैप्चर करने के लिए मिलेगी, और जो प्लेट पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो कैप्चर नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप एक छोटी प्लेट लेते हैं और उस पर 1,000 कटोरी डाल देते हैं तो जो एक्चुअल आपको आउटपुट मिलेगा, दाल मिलेगी या फिर पानी मिलेगा, वो बहुत ही कम होगा, और उससे आपकी जो फोटो भी बनेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। यही सेम होता है मोबाइल फ़ोन और DSLR फोटोग्राफी में। DSLR में प्लेट जो होती है, जो सेंसर होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, उसमें पिक्सल कम भी हों लेकिन बड़े बड़े पिक्सल हों तो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर पाते हैं, और जो इमेज भी डिटेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बट अगर आप एक छोटे सेंसर में या फिर छोटी प्लेट में जितनी भी कटोरियाँ भर दो, छोटी छोटी कटोरियाँ 10,000 कटोरियाँ में भर दो, मतलब मेगापिक्सल काउंट उसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दो, तब भी जो उसकी क्वालिटी है वो कम लाइट कैप्चर कर पाएगी, तो उसकी क्वालिटी में हमेशा कमी रहेगी। तो यही फ़र्क आ जाता है मोबाइल फ़ोन, पॉइंट एंड शूट और DSLR कैमराज में। DSLR कैमराज में जो सेंसर का साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब 20-30 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है मोबाइल फ़ोन से। जो पॉइंट एंड शूट का होता है वो बीच में होता है, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा बड़ा होता है, DSLR से थोड़ा छोटा होता है। और मोबाइल फ़ोन्स का क्योंकि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में होते हैं, इनका जो सेंसर होता है बहुत ही छोटा होता है, ये मेगापिक्सल काउंट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई बहुत बड़ा हो गया मेगापिक्सल काउंट, तो इसमें फ़ोटो भी बहुत तगड़ी आएगी। बट ऐसा ज़्यादा नहीं है, आप 10 मेगापिक्सल में भी बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की फ़ोटोज़ ले सकते हैं अगर आपका सेंसर अच्छा हो तो। तो अब ये सारी तो होगी थ्योरेटिकल बात, बट एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ जाता है कि हम इस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें, और हमको कैसे पता चलेगा कि इस मोबाइल में अच्छा कैमरा है कि नहीं, या फिर इस DSLR में अच्छा कैमरा है कि नहीं। तो अगर आपको किसी भी कैमरा को चेक करना है, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो पॉइंट एंड शूट में हो, चाहे वो DSLR में हो, आपको पहली चीज़ देखनी होती है सेंसर साइज़। अगर सेंसर उसका बड़ा है तो डेफिनेटली पिक्चर की क्वालिटी होगी वो अच्छी ही आएगी, और आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं उसके साथ वाले मोबाइल फ़ोन से या उसके साथ वाले DSLR से। DSLR और पॉइंट एंड शूट के बारे में किसी अलग वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर के बारे में, बट सेंसर अकेले बहुत ही अच्छी इमेज नहीं बना पाएगा, तो हमको दो और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। दूसरी है लेंस कौन सा लगा हुआ है उस फ़ोन में, और तीसरी है उसका प्रोसेसर। तो अभी आपको दिखना रहा हो फ़ोन में, बट एक्चुअल फ़ोन में भी एक लेंस होता है और उसका अपर्चर साइज़ आपको डिटेल्स में दे दिया जाता है। उसका एफ स्टॉप दे रखा होता है, f1.7, f2.2, f2.0, ये एक्चुअल लेंस का ओपनिंग साइज है। तो जितना ज़्यादा छोटे नंबर होगा उतना ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए मिलेगा, और उसकी उतनी फ़ोटो की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी। तीसरी चीज़ बहुत ही कन्फ्यूजिंग सी है, प्रोसेसर क्यों इसमें डाल दिया मैंने, प्रोसेसर की कैमरा में क्या ज़रूरत होती है। एक्चुअल स्मार्टफोन्स में प्रोसेसिंग की और इमेज प्रोसेसिंग की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि अगर आप सेंसर्स में देखोगे तो S7H का या Moto G5 Plus का या फिर Pixel 2 XL का सेंसर ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, बट जो फोटोज़ में फ़र्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है Qualcomm अपने स्नैपड्रैगन चिपसेट्स में इनबिल्ट करता है, और इसी की वजह से जो फ़ोटो की क्वालिटी होती है
वो सिमिलर चिपसेट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर सी आती है। तो कभी भी आप किसी फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे किसी यूट्यूब वीडियो रिव्यू में या फिर कहीं और भी, तो हर टाइम मेगापिक्सल के बारे में सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद एफ स्टॉप के बारे में बताते हैं, और सेंसर साइज़ तो बहुत सारे लोग बताते भी नहीं हैं। तो अगर आपको किसी मोबाइल फ़ोन को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपको सेंसर साइज़ देखना पड़ेगा, और सेंसर साइज़ देखने के लिए या काफ़ी डिटेल में अगर आपको स्पेसिफिकेशन देखनी है तो आप ये वाली वेबसाइट खोल सकते हैं, इसका नाम है devicespecifications.com। तो इसमें आप देख सकते हैं जितने भी इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन हैं, जैसे कौन सा सेंसर लगा हुआ है, कौन सी कंपनी का वो बता रखा है, और इसका एफ स्टॉप कितना है, f1.7। जो एफ स्टॉप होता है वो अपर्चर का साइज होता है, जितना बड़ा होगा उतना बेटर होगा, और 1 डिवाइडेड बाय जो नंबर नीचे होगा वो ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स ही बात है ये नंबर भी बड़ा होगा। और सेंसर साइज़ देखो एकदम एंड में छोटा सा लिख रखा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये 1 बाय 2.25 है, तो नीचे जितना नंबर बड़ा होगा उतना ज़्यादा सेंसर छोटा होगा और ये उतना बेकार होगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा नंबर है, 1 डिवाइड बाय 2.55 इंचेस किसी मोबाइल फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा नंबर है। सबसे बड़ा कैमरा एक्चुअली नोकिया ने बनाया था, नोकिया 41 मेगापिक्सल कैमरा, जो इसका सेंसर साइज था वो था 1 डिवाइड बाय 1.5 इंचेस, तो ऑलमोस्ट। तो जो नोकिया का सबसे बड़ा सेंसर था वो है 0.66 इंचेस, और जो मोटरोला का सेंसर है वो भी हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 2.55, ये हो जाएगा 0.40 के अराउंड। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि अच्छा कैमरा कैसे डिसाइड करें। तो आपको नेट पे डिटेल स्पेसिफिकेशन में पहली चीज़ सेंसर साइज, दूसरी चीज़ अपर्चर उसका कितना है, मतलब लेंस का जो ओपनिंग है वो कितनी है, जितना बड़ा लेंस होगा उतनी ज़्यादा लाइट आ पाएगी और उतना ज़्यादा बोके मिलेगा, मतलब बैकग्राउंड में जो ब्लर आ जाता है फोटोज़ में जो हम नकली डालते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करके, और तीसरी चीज़ जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है उस फ़ोन में वो कैसी है, वो आपको एक्चुअल फ़ोन यूज़ करके ही पता चल पाएगी, और ये काफ़ी सारे रिव्यूअर्स अच्छे से बता पाते हैं, तो आप रिव्यूज़ देख सकते हैं उसके लिए। मेगापिक्सल काउंट आप नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10 मेगापिक्सल के ऊपर अगर कोई भी कैमरा है तो उसमें मेगापिक्सल्स की कमी डेफिनेटली नहीं है। ऐसी छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिनसे फ़र्क पड़ता है आप कैसी फ़ोटोज़ लेते हैं, जैसे ऑटो फोकस टाइम, और उसके साथ वीडियो स्टेबिलाइजेशन, और आपका एक्सपोजर कितने अच्छे से वो चेंज कर रहा है सॉफ्टवेयर में, मतलब ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में आ जाते हैं, बट आप समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत आपको क्या देखना है। और बस इतना ही था ये वीडियो के लिए, एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी जिसके बारे में थोड़े लोगों को नहीं पता है कैमरे से रिलेटेड, क्योंकि कैमरे के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत पता है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बिकॉज मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी बनाऊंगा, और अगर आप चाहते हो कि मतलब और भी स्पेसिफिकेशंस में ब्रेक डाउन करूँ कि प्रोसेसर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर रैम कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर कोई फ़ोन कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाय, और एक्चुअली नहीं बाय नहीं, और वीडियोस भी देख लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और मतलब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि बिकॉज़ व्हाई नॉट।